हेलो एवरीवन माय नेम इज़ अभिजीत और आज के द हिंदू एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं तो आज नौ नवंबर और ये मेरा पाँचवा दिन तीसरा दिन है सॉरी तीसरा दिन है इस न्यू इनिशिएटिव को स्टार्ट किए सो आई होप यू आर लाइकिंग इट इफ़ यू आर लाइकिंग इट प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट सो पहला न्यूज़ है इट्स अबाउट द इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्या है कि जी सेवन मिनिस्टर्स ने एक बैठक ली है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इसराइल एंड द हमास जिससे ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पैदा हो गई जिसमें बच्चे बूढ़े औरत सबकी जान जा रही है कंटिन्यूस बॉम्बिंग फ्राम इसराइल किल्ड ओवर टेन थाउजेंड प्लस सिविलियंस तो ये बहुत एक ग्रेव सिचुएशन बना हुआ है और साथ ही अगर आप इस इस न्यूज को देखें तो इसमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में भी बात की गई है तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है बेसिकली टू स्टेट सोल्यूशन इसराइलीस के लिए अलग स्टेट पलस्टीनियंस के लिए अलग स्टेट दो अलग स्टेट बना दिए जाए इस तरीके का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है कि द टर्म टू स्टेट सोल्यूशन इज समाइम मैंशन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द अफेयर्स ऑफ तो यहाँ पे आंसर है बी इसराइल तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर को और प्रीवियस ईयर्स को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे ठीक है तो एवरी डे सोल्व टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एट लीस्ट एट लीस्ट प्रिलियम्स के तो दस प्रिलियम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही हैं किसी भी हालत में और दो मेन्स के आंसर लिखने पीवाई क्यूज से पीवाई क्यूज कहाँ से कहा तक दो हजार तेरह से दो हज़ार तेईस तक ये मेन्स के लिए और प्रियम्स के लिए कहाँ से कहा तक नाइनटीन नाइन्टी फाइव से दो हज़ार तेईस तक आप अभी टेस्ट सीरीज को मत लगाइए जब तक ये तीन बार कंप्लीट ना हो जाए आप टेस्ट सीरीज़ में मत घुसिए तो सबसे पहले 1995 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके एक आप बुक खरीद सकते हैं कोई भी मैं लिंक दे दूंगा अपने बायो में वहाँ से जाके आप ख़रीद लीजिए तो आप अगर उससे परचेज करेंगे तो मैं वो एफिलियट लिंक है तो आप उससे कुछ भी परचेज करेंगे तो मेरे को उसका एक परसेंटेज अमाउंट मिलेगा वो यूजुअली टू होता है सौ रुपए की बुक है तो दो रुपए मिलते हैं ज्यादा कुछ नहीं तो बेसिकली आप वहां से खरीद सकते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल अब ये बोला है जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी अब जैसे दो हजार वाला जो ये था उसकी जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी अब इसका जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा ब्राजील होगा तो लास्ट के दो इंपॉर्टेंट मीटिंग बचे हुए हैं ग्लोबल साउथ समिट और दूसरा जी ट्वेंटी वर्चुअल समिट इसके होने के बाद जो वो हथौड़ा है वो पी मोदी ब्राज़ील के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है नूला दे सिल्वा नूला उनको ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसमें यह कहा गया है कि ब्राज़ील की जो पॉलिसी होगी जी ट्वेंटी को लेकर वो इंडिया की जो पॉलिसीज रही हैं इसके बारे में जी ट्वेंटी के बारे में उसका एक सक्सेसर होगा उस पर एक कंटिन्यूटी रहेगी और जिसमें सिमिलर गोल्स के बारे में बात की जाएगी जो हमारी ग्रुपिंग्स हैं इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग जैसे ब्रिक्स है इब्सा है जी फोर है जिसका ब्राज़ील और इंडिया दोनों पार्ट है तो इसको भी ध्यान में रखा जाएगा जी फोर ग्रुपिंग के बारे में आप पढ़िएगा कि ये क्यों बनाई गई है इसका मेन उद्देश्य है कि एक दूसरे के यू सिक्योरिटी काउंसिल के मेम्बरशिप को परमानेंट जो सीट है पी जो सीट है उसको एक्सटेंड किया जाए और पी बनाया जाए जिसमें से ये चार देश और आए जर्मनी इंडिया जापान और ब्राजील तो ये एक जी फोर का ग्रुपिंग बनाई गई है और ग्लोबल साउथ के बारे में बात की जाएगी ग्लोबल साउथ क्या होता है वो कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड स्टेज पे है ठीक है वो होता है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इसमें कम से कम सौ देश के ऊपर ही आते हैं तो आपको इसमें क्या देखना है पहला वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स हैं ब्रिक्स एब्सा एंड जी फोर तो जब भी आप अपने इंटरनेशनल नेशनस के स्टैटिक पोर्शन को पढ़ेंगे जहाँ पे ये ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि इन ग्रुपिंग्स पे भी एक सीरीज लाया जाए वॉट डू थिंक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए तो मैं ये सीरीज एक बना सकता हूँ जिसमें दस से पंद्रह वीडियोज़ होंगे और ये सारे ग्रुपिंग्स एक साथ कवर कर लेंगे ओके okay, तो आपको ये आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट देखो ये कहा गया है कि वर्ल्ड विल ओवर शो टू थाउजेंड थर्टी फ्यूल लिमिट बाई ट्वाइस ओवर मतलब जो हमने लिमिट सेट की है 2030 के लिए कि इतना अगर हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है 1.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस का उसको अचीव करने में ले। लेकिन क्या रिपोर्ट में आया गया है कि हम इस लिमिट को दो टाइम से क्रॉस कर जाएंगे यानी जो हमारा गोल है 1.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस को ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल टेम्परेचर को फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी 1800 से लेकर अब तक कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर हम कर लेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रकोप से बच सकते हैं लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हम टू डिग्रीज भी नहीं अचीव कर पाएंगे जिस रेट से आज हम जा रहे हैं तो अब इसमें दो तीन चीज है एक है कि सी ओ पी समिट जो होने वाली वो दुबई में होने वाली नेक्स्ट कॉप ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ और एक रिपोर्ट के बारे में बताया गया है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट तो इसमें यह बताया गया है कि ये जो कंट्रीज हैं टॉप ट्वेंटी मेजर फॉसिल फूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का उनके एमिशन ट्रेंड को एनालाइज किया गया है तो इस आर्टिकल में आपको सिर्फ दो ही चीज जाना था कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा होगी दुबई में और ये जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है ये एक्चुअली में क्या एनालाइज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है एनिमेशन ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहा है ठीक है किसके बारे में इसको कौन रिलीज़ करता है तो स्टॉकहोम होम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट और काफ़ी मिलकर यूएनएपी वगैरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको निकालते हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इफेक्ट कि ये किस बारे में फॉसिल फ्यूल लिमिट के बारे में है जो कि ओवर होने वाला और बहुत सारी कंट्रीज़ ने टू थाउजेंड और टू को अपना कार्बन नेट न्यूट्रैलिटी कार्बन नेट न्यूट्रलिटी का टारगेट ईयर घोषित किया है लेकिन उनके एक्शंस इससे मैच नहीं कर रहे हैं गॉट इट दोबारा देखिएगा अगर नहीं समझ गया तो मैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ता हूँ हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इट्स अबाउट दिल्ली प्लान्स नवंबर रेंज टू ब्रीथ बट नवंबर में दिल्ली में वैसे आर... नेचुरली रेन उतना नहीं होता है तो वो एक लेंगे आर्टिफिशियल रेन का सहारा अभी आर्टिफिशियल रेन होता क्या है तो ये क्लाउड सीडिंग टेक्निक होती है जिसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है टू फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड वो उससे क्या होता है यहाँ पे आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और वो बारिश होती है तो आईआईटी कानपुर ने आई कानपुर ने एक टेक्निक डेवलप की है इसको करने का तो डेली गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स क्लाउड सीडिंग फॉर रेन ओके तो क्लाउड सीडिंग में आपको ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा मटेरियल यूज होता है एक है सिल्वर आयोडाइड और दूसरा है एंड ड्राई आइस ठीक है एक बार इस, इसको देख लीजिएगा कि कैसे किया जाता है प्लेन के थ्रू किया जाता है और यहां पे बारिश होती है आर्टिफिशियली सो होप यू गेट दिस आर्टिकल एज वेल और एक कमेंट आपको करना है हाउ कैन वी प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डेनी पॉल्यूशन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ठीक है इसके बारे में आपको जितने भी पॉइंट वाइज वन टू थ्री फोर आप जो भी देख रहे हैं इस पर कमेंट जरूर कीजिए अपना दिमाग लगेगा कहीं से वो मत इसका हेल्प मत लीजिएगा सिर्फ आपको जिस दिमाग में दो तीन पॉइंट आ रहे हैं आप उसको कमेंट कर दीजिएगा ओके सो होप ये आपके आर्टिकुलेशन स्किल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करेगा सो so, ये आर्टिफिशियल रेन यूज़ ऑफ सिल्वर आयोडाइड एंड ड्राई आइस क्लाउड सीडिंग टेक्निक तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसके बारे में आपको ध्यान देना था इस आर्टिकल में ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केरला ने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन लॉन्च किया है जिसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्म के प्रोडक्ट्स का ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स का पब्लिसिटी प्लस मार्केटिंग करके इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना तो इस नए ऑर्गेनाइजेशन का काम ऑन्टरप्रन्योरशिप भी है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रमोशन तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रमोशन प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है आप इस ये दो टॉपिक को रिलेट करके मीन्स में काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकते हैं जैसे ये है कि एग्रीकल्चर अभी एक घाटे का सौदा है फार्मर्स हमेशा गरीब है जितना उनको पैसा लग जाता है उतना उनका रिटर्न आ नहीं पाता तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत अच्छा तरीका है उनके इनकम को बढ़ाने का जैसे प्रधानमंत्री का एक पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन भी है कि डबल द फार्मर्स इनकम तो उसमें यह कैसे हेल्प कर सकता है डबल इनटू द डबलिंग द तो फार्मर्स इनकम है ये मिशन कैसे हेल्प कर सकता है तो आपको क्या करना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम एक पब्लिसिटी इसकी मार्केटिंग करके इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाहर भी और इंडिया में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ रही है तो यहां पर फार्मर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है होप यू गेट माई पॉइंट तो ये थे पांच इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक दो और हैं हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स डिवोल्यूशन ऑथोराइज बाई यूनियन गवर्नमेंट तो एक्चुअली क्या होता है सेंट्रल uh, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है जीएसटी से कॉरपोरेट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स आपको तीन टैक्स मिलता है कॉरपोरेट टैक्स जी और डायरेक्ट टैक्स ये तीन मेन बड़े सोर्सेज ऑफ टैक्स हैं फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन उनमें से फाइनेंस कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है जिसको आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एवरी फिफ्थ ईयर ठीक है हर पाँच साल के एक इंस्टेंस में गवर्नमेंट प्रेसिडेंट uh, एक फाइनेंस कमीशन करते हैं अंडर आर्टिकल तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इसके बारे में रखना है। तो उसमें एक दिया जाता है कि कितना को दिया का जो है, का जो है, कितना को दिया जाए तो जैसे कि आप इस ग्राफ को देख सकते हैं इलेवंथ फाइनेंस कमीशन पॉइंट रिकमेंड करता था फाइनेंस कमीशन ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था थर्टी टू से सीधा फोर्टी टू लेकिन फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन ने एक परसेंट कम कर दिया अब ये एक परसेंट कम क्यों किया इसकी भी एक वजह है इसकी वजह है टू थाउजेंड नाइनटीन में जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया तो यूटी बनाने से क्या होता है कि अब वो स्टेट नहीं रहा तो यूटी का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़े और पैसा चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर को चलाने के लिए तो उन्होंने मतलब फाइनेंस कमीशन ने एक ये रिकमेंड किया कि हम एक परसेंट स्टेट्स के लिए कम करते हैं और जो यहाँ से पैसा बचेगा वो यूटी के वेलफेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे फोर्टीनथ फाइनेंस कमीशन से फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन में एक परसेंट का डिवोल्यूशन कम करने का मेन टारगेट यही था कि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा अब वो यू हो गया है ठीक है तो आप ये समझ सकते हैं और फोर्टीन फाइनेंस कमीशन और फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन में डिफरेंस क्या है सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस था पहले प्रोटीन फाइनेंस कमीशन में फिफ्टी परसेंट बेटिस दिया गया था इनकम डिस्टेंस इनकम डिस्टेंस मतलब एक स्टेट को लिया गया है उसके इनकम को उसके पर कैपिटल इनकम को एक बेस माना गया है अब वहां से कितना डिस्टेंस है इनकम का बाकी स्टेट्स का उसके हिसाब से पैसा डिवॉल्व किया जाता है वो आपको टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है वो मैंने समझा दिया अब वो करके फिफ्टी से फोर्टी कर दिया गया और इनमें से कुछ कुछ दो नए वेटेज भी ऐड किए गए हैं पहला टैक्स एफर्ट्स और दूसरा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब उस स्टेट ने अपने स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स कितने इफेक्टिवली निभाए तो उसका भी वेटेज 12.5 परसेंट है और दूसरा टैक्स एफर्ट 2.5 परसेंट मतलब उस स्टेट ने अपने जो स्टेट के टैक्सेस हैं जैसे कि एग्रीकल्चर टैक्स हो गया सेल्स टैक्स हो गया फ्रॉम लिकर इस पर कितनी अच्छी पॉलिसीज बनाई तो उसके लिए भी टू का वेटेज दिया गया है तो ये डिफरेंस है फोर्टीन और फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन भी ये आपको याद होना चाहिए और ये टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के मेन क्वेश्चन में भी आ चुका है फोर्टीन फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ चुका है कि ये क्या है ठीक है तो आपको ये सारे इंडिकेटर्स पता होने चाहिए पॉपुलेशन एरिया पे फॉरेस्ट इकोलॉजी पे इनकम डिस्टेंस पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे टैक्स एफर्ट पे तो ये इतने पैरामीटर्स हैं जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किस स्टेट को कितना मिलेगा वो इससे डिसाइड होगा फोर्टी वन परसेंट तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को पूरे स्टेट्स को मिला के इतना देगी लेकिन किस स्टेट को कितना मिलेगा वो डिसाइड होगा इन फार्मूला से इन छह फार्मूला से ठीक है किसकी पॉपुलेशन कितनी है एरिया कितना है उसका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितना है उसका टैक्स कितना है टैक्स एफर्ट कितना है उसने डाला है कि हम और भी टैक्स अच्छे से वसूल कर पाएँ सिटीजन से तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था एक छोटा सा आर्टिकल था लेकिन इसमें से हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं आप यहां से इस आर्टिकल को कैसे यूज करना है जब भी आप अपना जीएस थ्री इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्सन पढ़ेंगे वहां पे फाइनेंस कमीशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी दोनों के लिए क्वेश्चन आ चुके हैं मेंस में आप मेंस का 2022 का क्वेश्चन उठा के देखेगा इकोनॉमी का जीएस आपको आप वहां पर वो क्वेश्चन दिखेगा सो होप यू गेट दिस आर्टिकल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल तो आज ये छह इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे इसके बाद दो अच्छे एडिटोरियल थे जिसके जिसको मैंने यहां पे अपलोड किया पहला इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज लॉस एंड डैमेज फंड तो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाने के लिए आ, ओके एडिटोरियल्स तो एडिटोरियल में पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड तो लॉस एंड डैमेज फंड क्या है ये एक जूमड इसका मैंने जूम्ड वर्जन भी डाल दिया तो आप यहां से देख सकते हैं देखिए अब जैसे जो लॉस हो चुका है अब उसको कैसे रिपेयर किया जाए तो उसके लिए लगेगा पैसा ठीक है उसके लिए लगेगा पैसा तो इस पैसे को कौन देगा कौन फंड करेगा उसके लिए एक फंड बनाया गया है कि इसमें बाकी सारे कंट्रीज पैसे डालेंगे और जो वलनरेबल कंट्रीज हैं जो जिनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम में लेकिन वो सफर सबसे ज़्यादा करें जैसे सेट्स स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट जो छोटे छोटे आइलैंड है लाइक मालदीव्स में मालदीव्स uh, के शहर डूब रहे हैं जैसे कि अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे लेकिन पाकिस्तान हिस्टोरिकली या मिशन उतना नहीं किया है तो इन सब देशों को जो वनरेबल देश हैं इनको जो इनके लॉस हो रहे हैं इसको लॉस और डैमेज जो किया जा रहा है इन्वामेंटल पोल्यूशन के द्वारा उसको कैसे मिटिगेट किया जा सके तो उसके लिए एक फंड बनाया गया है लेकिन कौन सी कंट्री कितना देगी इससे कोई इस पर कोई अभी कंसेंसस नहीं बन पाया है ठीक है तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है इसके बारे में आप पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि किसका कितनी ज़िम्मेदारी है ओके okay. तो ये पहला एडिटोरियल था लॉस एंड डैमेज फंड्स के बारे में अभी कॉप ट्वेंटी सेवन या कॉप ट्वेंटी एट ये मैं भूल गया हूँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाला है तो ये बात दोबारा से चर्चा में कि लॉस एंड डैमेज फंड्स को वापस से रिवाइव किया जाए इसके बारे में जल्दी से कंसेंसस बनाया जाए और जो वल्नरेबल कंट्रीज़ है उनको कैसे पैसा पहुँचाया जाए ताकि वो अपना लॉस और जो उनको लॉस हुआ है विद दिस एक्सट्रीम इवेंट्स और वो कौन कौन से एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जैसे हीट वेव्स का ख़तरा बढ़ गया है फ्लड्स आ रहे हैं टाइफून्स आ रहे हैं हरिकेन्स आ रहे हैं वाइल्ड है, फायर हो रहा है बुश फायर्स हो रहे हैं तो इन सब का जो डैमेज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए एक फ़ंड बनाने की बात की गई है सो आई होप होप यू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल नेक्स्ट ये दूसरा आर्टिकल है ताइवान और मलक्का स्ट्रेट के बारे में है जो आप ख़ुद से पढ़ेंगे और इसका जाके इस, प्लेसेस इन न्यूज़ में आप देखेंगे कि ये ताइवान स्ट्रेट कहाँ पे ताइवान कहाँ पे मलक्का स्ट्रेट कहाँ है इसको अच्छे से मैप में आप एनालाइज़ करें तो ये था आज का द हिंदू न्यूज़पेपर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सेव